अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम आई फोटो स्टूडियो। तो व्यूवर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो दिल्ली कॉलोनी फ़िश मार्केट के पर है और यहां के फ़िश के रेट आपको हम ताज़ा देते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भजन, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम है आपका? नवाज। नवाज भाई, ये जो मछली यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे इस जगह का नाम क्या है? दिल्ली कॉलोनी। दिल्ली कॉलोनी, अच्छा। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मछलियाँ यहाँ पे बहुत ही कम नजर आ रही है, इसका क्या रीजन क्या है इसकी? ये भी जून जुलाई का सीजन आ रहा है ना, यानी कि माल शार्ट हो गया है। माल शार्ट हो गया, तो ये कब तक चलता रहेगा? तकरीबन ये अगस्त तक। अगस्त तक जी। अच्छा, तो अगस्त के बाद क्या है? अगस्त के बाद फिर ये सीजन शुरू हो जाता है, माल का आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब है अभी क्या है, मार्केट डाउन है? मार्केट इस वक्त डाउन है और लॉकडाउन का भी मसला चल रहा है। लॉकडाउन का, वैसे आज इतवार है, गवर्नमेंट ने फिर इतवार का कर दिया उन्होंने। जी जी, जुम्मा और इतवार का, जुम्मा इतवार जो है ना 6 बजे बंद करने का आ रहा है। अच्छा, 6 बजे बंद करने का आ रहा है जी। अच्छा, अभी आपके पास कौन कौन सी मछलियाँ हैं? हमारे पास धोतर है, रोहू है, सुरमई है, ढांगड़ी है, भेटी है, सैल्मन है। अच्छा, सब कुछ मिलते हैं। और ये जो झींगा है? जी जी, ये पॉन्स है। ये क्या क्या नाम क्या कहलाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम जम्बू है, जेरा। जेरा जी जी। ये कैसे किलो जेरा? ये तकरीबन 750 रुपये किलो। 750 रुपये किलो आ रहा है, ठीक है। और इससे, ये भी इससे बड़ा वाला साइज है? ये इससे थोड़ा बड़ा है। ये भी जेरा ही है? ये उससे थोड़ा बिग साइज में है, उससे भी बड़ा है। जेरा ही है ना ये भी? हाँ जी जी। तो ये कैसे किलो दे रहे हैं? 900। अच्छा, 900 रुपये किलो। जी जी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो आप ये जो झींगा है जी, ये मीठे पानी का होता है या ये खारे पानी का, समुद्री? अच्छा, वैसे मीठे पानी का भी होता है? वैसे मीठे पानी का भी होता है। मीठे पानी और खारे पानी में क्या फर्क होता है इसमें? ज्यादा पानी में और खारे पानी में ये फर्क होता है, मीठे पानी से मिट्टी का जायका आता है। मिट्टी का जायका आता जी है जी। अच्छा, और खारे पानी का जो है ना वो समुद्री है। अच्छा, आपके पास मीठे पानी की मछलियाँ भी होती है? हाँ, मीठे पानी की भी होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं जी, मीठे पानी की एक नहरी मछली होती है और एक फार्म की मछली होती है जी, नहरी और फार्म में क्या फ़र्क होता है? नहरी और फार्म में यह फ़र्क होता है, जो फार्म की होती है उसमें मिट्टी का जायका आता है गोश्त में। अच्छा, जो नहर की होती है वो गोश्त में, जायके में और हर चीज़ में अलग होती है। तो व्यूअर्स किसे किसे पहचानेंगे कि भाई ये नहर की मछली है या पेट काला होगा? कटने के बाद पहचानोगे, ऐसे नहीं पहचानोगे, कटने के बाद ही पहचाने जाएगा। पेट काला होता है, उसका हरा सा भी गोश्त होता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ। जो घास वाला घास वास ज्यादा खाता है ना, घास वाला ज्यादा खाती है। अच्छा अच्छा, मुझे आप मुझे दिखा देंगे मछलियाँ वगैरह? आ जाओ इस तरफ। चले, ये बस हम मछलियाँ देखते हैं इनकी। और ये दिल्ली कॉलोनी में मछली की दुकान है, इनकी फिश की दुकान है और मैं यहाँ पर पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, ये मीठे पानी की मुराकी है। मराठी? मुराकी जी जी। अच्छा, ये मीठे पानी की मराकी, ये नहर की है या फार्म की है? ये नहर की है। ये नहर की मछली है। अच्छा, ये कैसे किलो दे रहे हैं आप? ये 400 रुपये किलो। ये 400 रुपये किलो। अच्छा, ताज़ी मछली की पहचान क्या होती है? ताज़ी मछली की पहचान ये होती है कि गोश्त में सख्त होना चाहिए। अच्छा, और इसके गलपड़े जो रेड होने चाहिए इस तरह। अच्छा, इसमें कलर भी तो लगा देते लोग? कलर लगाने वाले का पता लग जाता है, इसमें कलर जो है ना आठ में लगता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और आंखों से भी पहचान होती है? आंखों से भी पहचान, आंखें चमक रही होती है। आंखें चमक रही होगी तो समझो ये ताज़ी है, ताज़ी मछली है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली कौन सी मछली है? ये भी मीठे पानी की, इसको बोलते हैं थैला, थैला मछली। हाँ, ये कैसे किलो है? ये भी 400। अच्छा, ये भी 400 है वाली जो बताइए? ये भी 400। ये व्यूअर्स, ये भी 400 है और ये थैला मछली है, ये भी 400। ये भी दरिया की मछली है? ये भी दरिया की है और ये भी दरियाई की है, मीठे पानी की डमरा। डमरा जी। अच्छा, ये कैसे किलो है? ये 500। ये 500 है। अच्छा, इनमें से सबसे अच्छा जायका किसका होता है? जायका इसका होता है, डमरे का। डमरे का अच्छा जायका होता है। अच्छा, क्योंकि ये जायके में सबसे अट गए। अच्छा, ये मुराकी इससे अलग हल्की जायका होता है, लेकिन क्वालिटी की बात होती है ना। हाँ। ज्यादा पसंद ये करते हैं सिंधी लोग। अच्छा, ज्यादा पसंद सिंधी लोग ये करते हैं। हैदराबाद में जो मछली खाई जाती है वो कौन सी मछली? वो यही खाई जाती है। यही खाई जाती है, यही खाई जाती है। वैसे लोग कहते हैं रोहू मछली खाई जाती है, रोहू इसी को कहते हैं। हम लोग उर्दू में रोहू कहते हैं और सिंधी में कुर्डो कहते हैं। अच्छा, और ज्यादातर इसको डमरा भी कहते हैं सिंधी वाले। चले, सही है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा समुद्री मछली देख लो, ये समुद्री मछली है, धोतर।
उल्टी धोता है, उल्टी धोता रही है, उल्टी धोता है। अच्छा उल्टी धोता है, ये कैसे किलो दे रहे हैं? 600 उल्टी धोता। और जो दूसरी धोता आती है जिसके मतलब एक स्पॉट डॉट के बगैर डॉट, हाँ उनमें से कौन सा जायका अच्छा होता है? उसका जायका वो सालन के लिए होते हैं, ये फ्राई के लिए। अच्छा ये फ्राई के लिए, वो सालन और फ्राई दोनों के लिए होती है? दोनों काम आती है। ठीक है, तो ये कैसे लेती है आपने? कौन सी वाली? ये 600 600 रुपए किलो। ठीक है, और ये कौन सी है? ये कोबरा नहीं, मुई 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 है। हाँ ये मुई है, ये ज्यादातर हम लाते नहीं है। अच्छा। लेकिन आजकल ये आ रही है मार्केट में, मॉल शॉर्ट है ना। अच्छा व्यूअर्स, ये मुई मछली है, ये कैसे किलो है मुई? ये भी 500, ये भी 500 है। अच्छा चले सही है, और आगे चलते और आगे आ जाओ। ये मुश्का है, मुश्का। अच्छा इसमें दांत बहुत खाते हैं? ये दो दांत वाले मुश्का होता है। ये व्यूअर्स ये देखिए, ऊपर दो दांत, जी दो दांत है। हाँ ठीक है, नीचे का एक दांत होता है, ऊपर दो दांत होते हैं। अच्छा ये मुश्का में कितनी किस्में होती है ये भी आप बता? दो किस्में, दो किस्में होती है, ब्लैक वाला भी होता है और ये वाइट है। ये मुश्के की पहचान ये है कि उसके दांत होंगे आगे। अच्छा तो वैसे बाज लोग ये कहते हैं कि मुश्का कई किस्मों की होती है। हाँ। गोली मुश्का भी होती है, गोली भी होती है। हाँ तो वो गोली मुश्का कौन सी होती है? गोली में, गोली को मुश्का को नहीं बोल सकते ना। अच्छा क्योंकि वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है जी, ये असल है? ये असल है। ये कैसे किलो दे रहे हैं आप? ये 500 ठीक। और इसके अलावा है वैरायटियां? आपके पास वैरायटियां तो बहुत है, लेकिन अंदर साइड पे रेड स्नैपर भी रखा हुआ है। अच्छा दिखा देना, आप अंदर आ जाओ। ठीक, और ये इधर से ये भी देखो, दिखाइए ये कौन सी? ये गिस्सा है बगैर डोट वाली। ये गीसर है? ये चुन्नी गीसर तो नहीं है? चुन्नी गीसर है, ये डामा है। ये डामा है, ये डामा कैसे? डामा 400 और ये याली गीसर ये 600 600 ठीक है। अच्छा ये कौन सी है? ये गोली आप जिसकी बात कर रहे थे वो ये गोली है? ये गोली। अच्छा व्यूअर्स ये देखिए, ये गोली मछली मुश्का है। ठीक है, इसका दांत नहीं होते ना? नहीं इसका दांत नहीं होते, ये बगैर दांत के। तो इसका टेस्ट कैसा होता है खाने में? जायके में अच्छा होता है, अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये कैसे किलो है? इसे ये 700 700 पर केजी। चले आप अंदर चले। इसके अंदर मछलियाँ रखेंगी या रखी हुई है? रख दी अभी, और रखी। अच्छा इसमें व्यूअर्स मछलियाँ रखी दी है और अभी और रखेगी इसके अंदर। ठीक है, बस जबरदस्त तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जबरदस्त। बर्फ के अंदर ऐसे लगाए ये सारे मीठे पानी की मछली है। अच्छा ये अभी आप जो रख रहे हो तो ये माल स्टॉक कर रहे हो आप? जी ठीक। यहाँ से ऑर्डर पे जाता है माल? ऑर्डर पे जाता है। फिर बस ये देखिए यहाँ से जो है मछलियाँ उठा के ये लोग जो है ना फ्रिज में रख रहे हैं बर्फ़ पे डाल के, उसके बाद फिर मछलियाँ, उसके बाद फिर बर्फ़ डालते हैं, फिर उसके ऊपर मछलियाँ होती है। एक किस्म की तेल लगाई जाती है। और यहाँ से मछली उठा रहे और ये रखी जा रही है मछलियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा नाम क्या आपका? अब्दुल गफार। चाचा कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हमारा तकरीबन इधर हो गया 13 साल हो गया। 13 साल माशाल्लाह से। अच्छा ये आजकल मछलियाँ बहुत कम नजर आ रही है, चक्कर क्या है? ये तूफान था ना कुछ दिन। अच्छा अच्छा, इसके वजह से लांचे वापस बुलाया गया। जी जी, अभी लांचे जाएगा फिर। और ये लॉकडाउन की वजह से तो नहीं कोई फर्क पड़ा है? लॉकडाउन की वजह से तो हम लोग का एक एक दुकानदार का कम से कम ये
साल में सारे लोग तबाह और बर्बाद हो गया। तबाह बर्बाद हो गया, सही बात है। अच्छा, ये जितने भी मछली वाले हैं, जितने भी है, जी जी, तकरीबन हर दुकानदार 4 लाख 5 लाख के नीचे है। अच्छा, ये मुझे था भी इन्होंने जो टाइमिंग रख दी, इन्होंने 6 बजे तक की रखी है। मैं कल जी है। तो आप सुबह किस टाइम खोलते? सुबह हम लोग 7 बजे आते हैं। 7 बजे आते हैं। और अभी संडे का वाले दिन को जो ना कहना लॉकडाउन रखा हुआ है, जो मैं संडे का, तो उस दिन भी बहुत फर्क पड़ता होगा, लोग आते नहीं होगी साइड पे। इतना रश होता है हमारे पे, कोई गाहक नजर नहीं आते। हम लोग ये थोड़ा ऑर्डर का काम करते हैं, थोड़ा बहुत घरों में पहुंचाने वाला। अच्छा। बाकी इधर दुकानदारी बिल्कुल तबाह की तरफ चले गए हैं। चले जाजा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी मछलियों के रेट लेते हैं आपसे। ठीक है जी, आगे जाइए। अच्छा, ये मछली कैसे किलो है? ये कौन सी है? ये मीठे पानी की मुराकी है। मराठी मुराकी? जी जी। अच्छा, ये कैसे किलो दे रहे हैं आप मुराकी? 350। 350 रुपये किलो ये। ठीक है। अच्छा, ये दुकान का नाम बताएं, वो क्या है? दुकान का नाम मुश्ताक सखैलवी। जी, मुश्ताक सखैलवी एंड वकास सखैलवी। अच्छा, मरहूम चाचा सैयद रसूल लिखा हुआ है नियाजी। ये देखिए व्यूअर्स, ये दुकान है सखैलवी। हाँ, मरहूम चाचा सैयद रसूल नियाजी। ठीक है, मुश्ताक ईसा खैलवी। ठीक है। अच्छा, ये मुझे आप दिखा दे, हमारे पास हर किस्म की मछली होती है। दिखा दे कौन कौन सी मछलियाँ। ये सुआ है, सुआ, सुआ मछलियाँ। गोली, गोली या सुआ? सुआ, सुआ, सुआ। ये कैसे किलो दे रहे हैं सुआ? 450। 450। अच्छा, सुआ 450 रुपये बस। ठीक है। इसके अलावा सारम बड़ी है। अच्छा, सारम को भी दिखा दो थोड़ा सा यार, मेहरबानी होगी। अच्छा, ये सारम फ्रेश है बिल्कुल? बिल्कुल ताजी मछली। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारम फिश है। ये अच्छा, इसका बोनलेस बनाया जाता है ना? बोनलेस बनाओ, फिंगर बनाओ। अच्छा, बोनलेस फिंगर, ये दोनों के। ठीक है। कैसे बताया आपने ये इसका? 400 रुपये। 400 रुपये के। ठीक। अच्छा, इस अच्छा, इसके अलावा ये मौलवी देव पापलेट पड़ी हुई है। कौन सी पापलेट है इसमें? व्हाइट पापलेट। ये पापलेट पड़ी हुई है, व्हाइट पापलेट, बड़ी जबरदस्त। 1300 रुपये किलो है। अच्छा, किलो में कितने दाने आएंगे? 1300 रुपये किलो दे रहे हैं ये। 1 किलो में 2 पीस आएंगे। 2 पीस आएंगे। ठीक। अच्छा, ये मुझे ये मछली इतनी महंगी क्यों होती है अली? ये बाहर मुल्क जाती है या बाहर मुल्क जाती है? ये ज्यादा तकरीबन कंपनी लेती है या। अच्छा, ये आती किधर ज्यादा? बलोचिस्तान से आती है? ये समुंदर से आती है अभी बलोचिस्तान। मतलब ये बलोचिस्तान के साइड से आती है ना ज्यादातर? ये यहाँ से आती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा झींगा पड़ा हुआ है। ये मुझे दिखाए ना, ये यहाँ पे जो है इसके अंदर, ये कौन सी है? ये जलेबी पापलेट। जलेबी है, जलेबी। ये देखे बस, ये जलेबी पाप ले गए। हाँ, ये जलेबी पापलेट है। ठीक है। ये कैसे किलो है जलेबी पापलेट? ये 500 रुपये। ये जलेबी पापलेट होती है, ये 500 रुपये किलो है। ये पापलेट नहीं होती, लेकिन जलेबी पापलेट बोलते हैं इसको। जलेबी। और ये कौन सी है? ये मीठे पानी का सोल है। सोल खाना थोड़ी देर। हाँ, ये देखो बस, ये मीठे पानी का सोल है। ठीक है। इसकी आँखें दिखाओ सर, आँख। ये कैसे किलो है? ये 500 रुपये। 500 रुपये किलो। ठीक। इसके अलावा? इसके अलावा सोल दूसरी पड़ी है समुंदर की। हाँ, ये 400 रुपये किलो है। ये कौन सी है? ये भी सोल है, ये समुंदर की सोल है। समुंदर की सोल है, ये 400 रुपये किलो है। ठीक है। अच्छा, सोल दो किस्म की आती है ना? एक वो लाल सी चिपटी सी होती है। हाँ, दो किस्म की आती है, मीठे पानी की और समुंदर की। अच्छा, तो ज़्यादा अच्छी कौन सी होती है? ये वाली अच्छी होती है, इसमें रेट अच्छा होता है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास रेट स्नैपर वाला नहीं है? स्नैपर खत्म हो गया है। ये सर पड़ी है, ये कौन सी है? ये वाली दिखाई है ना अभी, सारा में ना। हाँ, ये नीचे पड़ी है और मच्छी। अच्छा, ये पड़ी है सिल्वर। सिल्वर, हाँ सिल्वर देखो, ये सिल्वर है बस। ये सिल्वर है, ये मीठे पानी की होती है। 450 रुपये। 450 रुपये। ठीक। अच्छा, वो दिखा दो, वो दूसरी कौन सी? गीसर है। गीसर कहाँ है? अच्छा, चल छोड़ दो रहे हैं। बस व्यूअर्स, ये नीचे गीसर पड़ी है, ये कैसे किलो दे रहे हैं गीसर? गीसर 550। 550 चले, सही है। अच्छा, मुझे बस ये बता दें, झींगा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसके बारे में बता दें आप। उसके लिए मुझे आप ये करता नहीं है। ये झींगा कैसे किलो है याला? झींगा ये वाला 800 रुपये। 800। अच्छा, ये वाला 600 रुपये। ये वाला 600 रुपये किलो।
जी वो वाला 1300 रुपये, वो ये 1300 रुपये, चाहिए 1300 रुपये किलो, ठीक है। और ये वाला, वो वाला 700, और ये वो 550, और ये वाला, ये वाला भी 800 रुपये। चले यार, बहुत शुक्रिया यार। तो जी व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कराची का इलाका देहली कॉलोनी का है, और इससे पहले भी मैं यहाँ की एक वीडियो बना चुका हूँ जो काफ़ी वायरल हो हुई थी। तो व्यूअर्स, मछलियों का जो सीज़न है वो नहीं है अभी, और मछलियाँ बहुत कम आ रही है, और ज़्यादातर मीठे पानी की मछलियाँ यहाँ पर है, और पूरे कराची में अभी आपको समंदर की मछलियाँ बहुत कम मिलेगी, और इनका सीज़न अभी नहीं है। मछलियों का सीज़न जो है वो अगस्त के बाद शुरू होगा। तो ये कराची का इलाका देहली कॉलोनी का है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा बाज़ार मिलेगा जहाँ पर आपको गोश्त और चिकन और इसके अलावा मछलियाँ आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स करके भी मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके नज़दीक तरीन कोई जगह ऐसी है जहां पर मछलियां मिलती है और अच्छी मछलियां मिलती हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके भी आप बता सकते हो। इंशाल्लाह ताला वहाँ का भी मैं ज़रूर चक्कर लगाऊँगा। तो फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।